गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक. ओके, टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर बुक विद द पेज नंबर 87. टेक आउट द पेज नंबर 87. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, टुडे वी विल लर्न द न्यू चैप्टर, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. ओके, हम आज क्या करेंगे, नए चैप्टर पढ़ेंगे, वो है चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. ओके, नाउ मेजरिंग, अवर फर्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, लास्ट जो चैप्टर था उसमें क्या क्या पढ़ा था, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, देन उसके एंगल्स कैसे बनते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, डायगनल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होता है, देन ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे कि कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. ओके, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, मींस हम क्या करेंगे, आज ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे विद द हेल्प ऑफ रूलर और अ डिवाइडर हम कैसे किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ का हम आंसर निकाल सकते हैं. ओके, सो ये है रूलर और ये है आपका डिवाइडर. ओके, ये जो राउंडर है उसे क्या बोला जाता है, डिवाइडर, और इसे क्या बोला जाता है, रूलर. अब कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के थ्रू, और या कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. कंपैरिजन फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपका कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. अब फर्स्ट पॉइंट में देखो, ये वाली लाइन ऐसी दिख रही है और ये वाली लाइन इतनी सी है, तो हमें ये देखकर पता चल जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी बड़ी है. तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, मीन्स देख के ही पता चल जाए कि कौन सी लाइन कैसी है और कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है. ओके स्टूडेंट्स, अब कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के हिसाब से भी हमें पता चल जाता है, जैसे कि अब पी क्यू लाइन ऐसी है और ए बी लाइन ऐसी है, तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये दोनों को अगर हम सीधा रखेंगे तो दोनों की लाइन क्या होगी, इक्वल होगी, है ना. ट्रेसिंग मतलब जैसे कि अब ये देखो, ए बी का इंच इतना है, हमने इसको उंगली से ट्रेस किया, मीन्स इतना है ए बी. अब उसी पे ही रख के सी डी देखेंगे तो सी डी किधर आ रहा है, इधर, मीन्स इससे इतना इतना पार्ट क्या है, ये ए बी बड़ा है, तो हमने क्या किया, इसको ट्रेस किया. समझ आया. अब कंपैरिजन यूजिंग रूलर और डिवाइडर, रूलर और डिवाइडर का यूज़ करके हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ऑब्वियसली इसको ऐसे ऐसे रखेंगे. देखो इधर से ज़ीरो, ये जो आपको ज़ीरो दिख रहा है अच्छे से, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे मेजर करना, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो देखो ये कितने इंच पे आ रहा है, थ्री सेंटीमीटर, या तो 3.1 सेंटीमीटर आ रहा है. देखो 3.1 सेंटीमीटर आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड और नॉट? देखो इसमें ये जो है ना, ये 1, 2, 3, 4 देन 5, 6, 7, 8, 9, 10. समझ आया स्टूडेंट्स आपको ये चीज़? ओके, तो रूलर और डिवाइडर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1. ओके, एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं क्या दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में. व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेरी ऑब्जर्वेशन. अब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर हम क्या बोलते हैं, मेजर कर रहे हैं या उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जज कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ इसमें क्या होगा. अगर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, हमें वो चेक करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट आंसर क्या आएगा, इसका डिसएडवांटेजेस है कि एरर्स हैव चांसेस. ओके, पहला डिसएडवांटेजेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं, एरर्स हैव मोर चांसेस, मोर नंबर ऑफ चांसेस. ओके, देन उसके बाद हमें करेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, नॉट करेक्ट नंबर. ओके, मीन्स हमें प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, हम सिर्फ देखकर अगर करेंगे तो, है ना.
नाउ सी सेकेंड वन, वाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट? क्यों बेटर है? क्योंकि ये क्या करता है, प्रॉपर हमें क्या देता है, प्रॉपर हमें आंसर देता है, मीन्स इतने का ही गैप है, इस वजह से रूलर क्या होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है. नाउ थर्ड वन, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी ए सी बी? नोट, इफ ए बी सी आर एनी थ्री पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी. अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि आप ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट बनाओ. तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, तो ये हो गया मेरा ए बी लाइन सेगमेंट. ठीक है, अब रूलर के हेल्प से मैं क्या करूँगी, इन दोनों का मैंने इसका ऐसे निकाला, देन उसके बाद इसका मैं क्या करूँगी, ऐसा कोई भी मिडल पार्ट ढूँढूँगी जिससे मुझे ये दोनों जो हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखे. तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी या सी बी, है ना. देखो, ए सी प्लस सी बी या बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये प्रूव हो जाता है. अगर दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी होता है, मीन्स हाफ हाफ मिला के पूरा. समझ आया? ओके. तो स्टूडेंट्स, जो आपका होमवर्क है, देखो होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 88 सी डब्ल्यू टिल क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.